जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर 3। करेक्शन सीरीज़ का जो लेक्चर 3 है आज वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है आज का, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट, लेटर एंड लेटर। लेटेस्ट, लेटर और लेटर में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, जो लेटेस्ट होता है ये ऑर्डर में सबसे आखिर होता है। ठीक है, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, यानी कि जो ताज़ा तरीन न्यूज़ होती है ये उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। लेटर होता है किसी के बाद में, मतलब है कि कोई देर से कोई होने वाली चीज़। फॉर एग्जाम्पल, ही केम लेटर देन मी इन पार्टी, कि वो पार्टी में मुझसे देर से आया, ताखीर से आया। ठीक है, ये मतलब ताखीर हो गया, ये लेटेस्ट मतलब हो गया कि जो ताज़ा तरीन चीज़ होती है, द लेटेस्ट न्यूज़। और ये लेटर होता है, LATER, लेटर, ये होता है कि अगर कोई दो चीज़ों का तذکرہ होता है तो उसमें जो आखिरी चीज़ होती है, जो बाद में आने वाली चीज़ होती है, उसको हम लेटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वसीम एंड इमरान आर गुड स्पोर्ट्स मैन, लेटर इज़ द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, कि वसीम और इकराम दोनों अच्छे स्पोर्ट्स मैन हैं। उनमें से जो दूसरा है, यानी कि जिसका जिक्र बाद में हो रहा हो, जिसका तذکرہ बाद में हो रहा हो, वो लेटर होता है। ठीक है, तो वसीम और इकराम दो स्पोर्ट्स मैन हैं, जिसमें से जो बाद वाला है, यानी कि जो दूसरा है, वो इज़ राइट नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं लेस और फ्यूअर को। लेस इस्तेमाल होता है क्वांटिटी के लिए, मिकदार के लिए। फ्यूअर इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, कोई गिनती के जो चीज़ें हों उनको अगर जाहिर करना हो तो उसके लिए फ्यूअर का इस्तेमाल होगा, और अगर किसी मिकदार को जाहिर करना हो तो उसके लिए लेस का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से चीज़ क्लियर हो जाएगी। आई ड्रैंक नो लेस देन 2 शेयर्स ऑफ मिल्क, कि मैंने 2 शेयर मिल्क जो है वो पिया। ठीक है, तो ये जो 2 शेयर्स ऑफ मिल्क है, जो 2 शेयर ऑफ मिल्क होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ काउंट ना की जा सकते, जो न्यूमेरिकल्स में ना हो, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, तो उसके साथ आप लेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये काउंटेबल नहीं है, सो दैट इज़ वाई हम इसके साथ लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फ्यूअर का इस्तेमाल वहाँ पे होगा जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, लाइक जो कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, इन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नो फ्यूर देन 20 सोल्जर्स वर किल्ड, के 20 सोल्जर्स किल किए हुए थे जंग के अंदर। तो चूंकि ये जो 20 सोल्जर्स, ये काउंटेबल है, 1, 2, 3, 4, 5 करके इनको काउंट किया जा सकता है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फ्यूर का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे आप इस मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, कि मिल्क हमेशा क्वांटिटी में होता है, तो जो चीज़ क्वांटिटी में हो उसके लिए लेस का इस्तेमाल, और जो चीज़ काउंटेबल हो उसके लिए फ्यूर का इस्तेमाल। नेक्स्ट रूल है डिफरेंस बिटवीन फादर एंड फर्दर। फादर का मतलब होता है अवे, फर्दर का मतलब होता है मजीद। ठीक है, एग्जाम्पल से चीज़ क्लियर हो जाएगी। वट फर्दर सजेशन डू यू सजेस्ट, कि मजीद क्या सजेशन आप सजेस्ट करते हैं। फर्दर मजीद, फादर का मतलब है दूर। माई होम इज़ फर्दर देन जी सी यूनिवर्सिटी, मेरा घर जो है वो जी सी यूनिवर्सिटी से दूर है। ठीक है, एल्डर और ओल्डर में फ़र्क देखें। एल्डर और ओल्डर दोनों का मतलब सेम होता है, किसी बड़े को, किसी उम्र में बड़े चीज़ को, बड़े शख्स को जो है वो जाहिर करने के लिए एल्डर और ओल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एल्डर होता है वो न्यूक्लियर फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो आपकी अपनी न्यूक्लियर फैमिली है, कजन्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो फैमिली के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो फैमिली के टाइज होते हैं, जो कि ब्लड लीनिएज होता है, उसके जो मेम्बर्स होते हैं उनके लिए एल्डर का इस्तेमाल होता है। खास कर ये इस्तेमाल होता है आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, सिबलिंग्स जो हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जमाल इज एल्डर टू अजीज, इसका मतलब है कि जमाल अजीज का बड़ा भाई है। ठीक है, ओल्डर जो होता है वो अदर पीपल के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक फ्रेंड्स के लिए, लाइक कोलीग्स के लिए, या वो लोग जिनका आपस में कोई ब्लड लीनिएज ना हो, जिनके आपस में कोई बॉन्डिंग ब्लड के जरिए ना हो, या कोई फैमिली लीनिएज ना हो। अकरम इज़ ओल्डर देन असलम, अकरम असलम से बड़ा है। अब अकरम और असलम लाजमी नहीं है कि ये दोनों भाई हैं, लाजमी नहीं है कि ये दोनों कोई आपस में कजन्स हैं, ये दो कोलिग्स हो सकते हैं, ये दो फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, सो एल्डर इस्तेमाल होगा सिबलिंग्स के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए, ओल्डर इस्तेमाल होगा नॉन फैमिली मेम्बर्स के लिए। आगे मूव करते हैं। मैनी आ का इस्तेमाल बहुत जगहों पर किया जाता है। मैनी आ जो है वो सिंगुलर चीज़ को शो करता है, इट्स अ सिंगुलर एंटिटी। ठीक है, मैनी आर चिल्ड्रन इज बॉर्न एवरी मंथ, के हर महीने बहुत बच्चा पैदा होता है, तो मैनी आ को सिंगल के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा, बिकॉज इट इज बींग यूज एज अ सिंगुलर,
सो दैट इज वाई वी विल यूज द टेक द यूजेज ऑफ इज, ठीक है, मैनी आ बहुत सा, जिस तरह हम कहते हैं बहुत बच्चा पैदा हो रहा है कि मैनी अ चिल्ड्रन इज बॉर्न एवरी मंथ, हर महीने बहुत बच्चा पैदा होता है, या मैनी मैनी अ स्टूडेंट अपेयर इन सी एस एस एवरी ईयर, कि सी एस एस में बहुत बच्चा जो है वो अपेयर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चा अब अपेयर हो रहा है, ठीक है, मैनी अ चिल्ड्रन, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट्स अपेयर इन सी एस एस एवरी ईयर, ठीक है, मैनी अ स्टूडेंट होगा, मैनी अ स्टूडेंट सिंगुलर के तौर पे होगा. व्हेन टू ऑब्जेक्टिव्स कम टुगेदर फर्स्ट वन बिकम्स द एडवर्ब, जब दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आते हैं तो जो पहला एडजेक्टिव होता है वो वर्ब बन जाता है. जब भी दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आएंगे, अमूमन आ जाते हैं, तो जो पहला एडजेक्टिव होगा वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा. एग्जाम्पल देखें, आई एम फीलिंग एक्सीलेंट वेल. अब इस एग्जाम्पल में जो एक्सीलेंट है वो भी एडजेक्टिव है और जो वेल है ये भी एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, एक्सीलेंट भी एडजेक्टिव है, वेल भी एडजेक्टिव है. अब ये जब दोनों आ गए हैं इकट्ठे, जब एडजेक्टिव्स आ गए हैं, तो उसमें से जो पहला एडजेक्टिव है वो एडवर्ब बन जाएगा. तो इसको हम इस तरह से करेंगे, आई एम फीलिंग एक्सीलेंटली वेल, ठीक है. एडवर्ब क्या होता है, जो कि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. तो यहाँ पे जब हमने इसको एडवर्ब बना दिया तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि वेल क्या, एक्सीलेंटली वेल, कि अब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि कितना अच्छा, एक्सीलेंटली वेल मतलब है कि, ठीक है. सो जब भी दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आएंगे तो जो पहला एडजेक्टिव होगा वो एडवर्ब बन जाएगा. और एडवर्ब हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वेल को क्वालिफाई कर रहा है. तो कोई भी चीज़ जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, एडवर्ब को क्वालिफाई करती है या वर्ब को क्वालिफाई करती है, वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है. तो इसको आप इस तरह से देखेंगे. उसके बाद है द कम्स बिफोर द होल. अगर होल का लफ्ज आ गया है उससे पहले द आएगा. द आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर द होल. जमाल रेड द होल बुक, ठीक है. होल से पहले द का इस्तेमाल इज मैंडेटरी. जमाल रेड द होल बुक, ठीक हो गया. लेट्स मूव अहेड. अच्छा, इफ होल कम्स बिफोर द प्रॉपर नाउन, होल इज फॉलोड बाय ऑफ. अगर होल का जो लफ्ज है ये किसी प्रॉपर नाउन से पहले आता है, अगर प्रॉपर नाउन से पहले होल आएगा तो होल के बाद ऑफ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को इस तरह अंडरस्टैंड करें, द होल ऑफ अरब वर्ल्ड, ठीक है, द होल ऑफ अरब वर्ल्ड वॉज अफेक्टेड ड्यू टू अरब स्प्रिंग. अब ये अरब वर्ड क्या है, प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन से पहले अगर होल आ जाए, इस अरब वर्ड से पहले होल आ गया है, तो इसलिए इस होल के बाद अब ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा. अब यहाँ पे ऑफ आ गया. सो अगर प्रॉपर नाउन से पहले होल आ जाता है तो प्रॉपर नाउन और होल के दरमियान ऑफ आएगा, द होल ऑफ अरब वर्ल्ड, ठीक है, वॉज अफेक्टेड ड्यू टू अरब स्प्रिंग. नेक्स्ट रूल, इफ टू एडजेक्टिव्स कम इन वन सेंटेंस द स्मॉलर एडजेक्टिव विल कम फर्स्ट. और अगर वो दोनों, अगर दो एडजेक्टिव सेंटेंस में इकट्ठे आते हैं और वो दोनों आपस में सेपरेट हैं एंड से, लाइक यहाँ पे, तो जो स्मॉलर एडजेक्टिव होगा वो इकट्ठे आएगा, वो पहले आएगा. आई सॉ अ न्यू एंड ब्यूटीफुल बुक. तो यहाँ पे गौर करें इस चीज़ पे कि न्यू भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, इकट्ठे सेंटेंस में आ रहे हैं, लेकिन उन दोनों को सेपरेट किया गया है एंड से. सो जब दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आए लेकिन उन दोनों के दरमियान एंड आए, उनको दोनों तरह से एंड के जरिए सेपरेट किया जाए, तो उसमें से जो छोटा एडजेक्टिव होता है, यानी कि जिनके जिसके वर्ड्स लेटर्स कम होते हैं, वो पहले आएगा. तो आप यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते कि आई सा अ ब्यूटीफुल एंड न्यू बुक, तो टेक्निकली तौर पे गलत कंसीडर होगा. आई सा अ न्यू एंड ब्यूटीफुल बुक, क्योंकि न्यू के लेटर्स कम है, ये भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, बट न्यू के लेटर्स कम है तो ये स्मॉलर एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल के लेटर्स ज़्यादा हैं तो ये बड़ा एडजेक्टिव है. तो जब दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ जाएं और आपस में वो एंड से सेपरेटेड हों, तो जो छोटा एडजेक्टिव होता है वो पहले आएगा. लेकिन अगर दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ जाएं, जैसे कि हमने प्रीवियस रूल में देखा है, और उन दोनों के दरमियान एंड मौजूद ना हो, तो पहला एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाएगा, जिसको हमने अभी पहले देखा है,
दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। ये इसको देखें, ठीक है। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ रहे हैं लेकिन ये एंड के जरिए सेपरेटेड नहीं है, तो पहला एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब बन गया है। लेकिन अगर दो एडजेक्टिव्स आ जाएं और वो आपस में एंड से सेपरेटेड हों, ठीक है, तो आप उनको जो है वो जो पहला जो स्मॉलर एडजेक्टिव होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा एडजेक्टिव होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। सो लेट्स रूल टू अनदर रूल, मूव टू अनदर रूल। अच्छा, बोथ इज फॉलोड बाय द, बोथ के बाद हमेशा द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही अटेंडेड बोथ द लेक्चर्स, तो बोथ के बाद हमेशा द आएगा। इफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द बोथ, देन ऑफ डज नॉट कम आफ्टर द बोथ, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए बोथ के बाद तो फिर बोथ के बाद ऑफ इस्तेमाल नहीं होगा। ही लॉस्ट बोथ हिज बुक्स। अब ये बोथ है और उसके बाद हिज आया है, तो हिज यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और बोथ है यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने देखा बोथ के बाद डी का इस्तेमाल, द का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे बोथ के बाद द का इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि अगर बोथ के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाए तो फिर बोथ के बाद द इस्तेमाल नहीं होगा, अदरवाइज बोथ के बाद हमेशा द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। देन इज यूज वेन कम विद कंपेरेटिव डिग्री, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए देन का इस्तेमाल होगा। अक्रम्स नॉलेज इज डीपर देन खालिद्स, तो जब दो चीज़ों का आपस में कंपेरिजन हो रहा है तो उन दोनों के दरमियान, उन दोनों को दे विल बी सेपरेटेड विद हेल्प ऑफ देन। अक्रम्स नॉलेज इज डीपर देन खालिद्स, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।